किस्सा गौतमी, नाम तो उसका गौतमी था। धम्मपद गाथा कथा नंबर 114 या 114 सहस वग्गु। ये सावित्री की कहानी है, कथा है, और भिक्कु और भिक्कुनी इसको बहुत सुनाते हैं। ये सभी बच्चे को याद रहती है, रटी हुई रहती है। एक बहुत दुबली पतली सी कमजोर एक महिला होती है जिसका नाम होता है गौतमी। चूंकि किस बोलते हैं दुबले पतले को, या संस्कृत भाषा में कृष बोलते हैं, तो उसका नाम पड़ गया किसा गौतमी, यानी दुबली पतली कमजोर गौतमी। उसकी शादी एक बहुत बड़े परिवार में, धनाढ्य परिवार में हुई। बहुत बड़ा उसका खानदान था। एक तो वो दुबली पतली, क्योंकि पुराने समय में दुबली पतली और कमजोर महिला की इज्जत ज्यादा नहीं होती थी। पुराने समय में उस महिला की ज्यादा इज्जत होती थी जो बहुत अच्छी हेल्दी हो और जो परिवार में ज्यादा बच्चे उत्पन्न कर सके। क्योंकि परिवार में ज्यादा बच्चे उत्पन्न होंगे तो ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा काम करेंगे। काम बहुत था, लोग कम थे, तो परिवार में इसीलिए ये जो कोई महिला अगर बच्चे पैदा नहीं कर पाती थी तो उसको हे दृष्टि से या छोटी या तुच्छ दृष्टि से या नीची दृष्टि से देखा जाता था और उसको बांझ कह के बोला जाता था। बांझ शब्द तो खैर बाद में पड़ा है, क्योंकि जो बांझ है वो पाली भाषा का शब्द नहीं है। मगर उसकी इज्जत कम होती थी परिवार के अंदर, क्योंकि वो पैदा नहीं कर पा रही है ऐसा करके, और उसमें नेचुरल रूप से कमी है। समझदार लोग नहीं भी करते, समझदार जो बेवकूफ लोग हैं वो ऐसा करते हैं, आज भी करते हैं। तो वो जो किसा गौतमी थी वो शरीर से कमजोर थी, एक तो ये दिक्कत थी। दूसरा, उसके पास संतान नहीं थी, तो संतान ना होने की वजह से भी उसको बहुत ज्यादा अपनी नजर में भी औरों की नजर में भी ताने सहने पड़ते थे। फिर वो उसके एक संतान होने की बात हुई और वो जब उसे लगा कि उसके कोई संतान होने वाली है तो उसे बड़ी खुशी हुई, और एक पुत्र ने जन्म लिया तो और ज्यादा खुशी हुई। उस पुत्र को वो 24 घंटे अपने पास लगा के रखती थी। उसका मान सम्मान बढ़ गया, उसकी जो असुरक्षा थी वो दूर हो गई, उसे जो भय था, उसे जो ताने मारा करते थे वो लोग दूर हो गए। अब लोग उसकी खूब सेवा करने लगे, क्योंकि उसने पुत्र दिया है, एक घर में काम करने वाला व्यक्ति और आ गया है, खानदान बड़ा है, अच्छी बात हो गई। तो उसकी इज्जत बढ़ गई, यानी कि महिला की इज्जत उसके पुत्र से होती है, चलता आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, महिला की इज्जत महिला की है, पुरुष की पुरुष की है, मगर ये चक्रव्यूह है, जो भव चक्र है उसमें ऐसा होता है। तो वहां जब उसकी इज्जत बढ़ने लगी, लोग उसे पूछने लगे, तो उसे थोड़ा अच्छा लगा, उसके अस्तित्व को भी अच्छा लगा, यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस जो थी उसे भी अच्छा लगा कि उसके होने का कोई मतलब है। वो फूली नहीं समाजती थी, खुश रहती थी। मगर हुआ ये कि उस बच्चे को खेलते समय एक दिन सांप ने डस लिया और बच्चा तुरंत मर गया। अब तो उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए, क्योंकि वही पुरानी बेइज्जती होगी, वही पुराने ताने मारे जाएंगे, वही असुरक्षा का भाव होगा, कोई उसे देगा नहीं, और उसके अस्तित्व पर भी बात आ गई। ये सारे जो जितने भी डर थे और जितने भी भय थे, ऊपर से उसका बच्चा चला गया, उसकी जो ममता चली गई, ये सारे मिलके इतने ज्यादा हो गए कि वो पागलों जैसी स्थिति में हो गई और अपने बेटे को उठा के, अपने बच्चे को उठा के वो जगह जगह घूमने लगी कि मैं इसे शमशान में दबाने के लिए नहीं दूंगी, ये मेरा बेटा है, इसे कोई भी जीवित करे। और वो घर घर दर दर बच्चे को लेके पागल की तरह घूमती रही। सुबह से शाम हो गई, मगर किसी ने भी उसके बच्चे को कोई ऐसी दवाई नहीं दी कि वो ठीक हो जाए। किसी ने कहा कि वहां जैतवन में भगवान बुद्ध रह जाते हैं, वो शायद कुछ कर दे, तू वहां चली जा। वो दौड़ी दौड़ी वहां गई और जाके उसने भगवान बुद्ध के आगे वो बच्चे को लिटा दिया, हाथ जोड़े और वंदना की कि आप, मैं कुछ नहीं जानती, आप इसको कैसे ही जीवित करो, मैं मुझे ये जीवित चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध के बारे में तो सब जानते हैं, भगवंता हैं, भगनवान हैं, भगनवंतु हैं, भंगी हैं, भगवान हैं, भागवान हैं, सारे वान हैं उनके अंदर, तो सब जानते हैं कि क्या चीज इसके अंदर चल रही है, क्या चीज नहीं है। मनोवैज्ञानिक सबसे बड़े हैं, पहले हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसको जीवित कर दूंगा। तो उसे बड़ा खुशी हुई, पागलों जैसी स्थिति में मेरा बच्चा जीवित हो जाएगा, इससे बड़ी क्या बात होगी, तुझे कुछ करना होगा। तो किसान ने कहा कि बताइए भगवान क्या करना है, मैं सब करने को तैयार हूं। कि किसी भी घर से जा और कुछ अन्न के, दही बोलते थे उस समय, दही के दाता ने लिया, दही का मतलब है धान्य बोलते हैं आज के समय, तो दही का मतलब है कि
किसी भी तरह का ग्रेन, यानी कि चाहे सरसों के दाने हैं, चाहे वो गेहूं के दाने हैं, चाहे वो चने के दाने हैं, चाहे वो मक्के के दाने हैं, दाने ले आ कहीं से। तो वो दौड़ने लगी तो उसने कहा, रुक जरा, दाने उस घर से लेके आना जहां कोई मरा ना हो। समझ गई कि हाँ, मैं समझ गई, मैं लेके आती हूँ। अभी गई, दौड़ी दौड़ी गई सावित्री में, दाने दिए, दाने दे के चलने लगी। पूछा, कोई मरा तो नहीं? उन्होंने कहा, हमारे यहाँ तो फलाने मर गए। दूसरे घर गई, तीसरे घर गई, पूरा सावित्री छान मारा, एक घर नहीं मिली। मगर जैसे जैसे दाने इकट्ठे करती गई, घर घर घूमती गई, वैसे वैसे प्रज्ञा जगती गई, समझ जगती गई। समझ आ गया उसको कि दुनिया में सब अनिच है, अनिच बोध हो गया उसको। यानी अनिच का मतलब है इम्परमानेंस, इम्परमानेंट है, कोई भी परमानेंट नहीं है। बेटा भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, बुद्ध भी नहीं है, इस घर में कोई परमानेंट नहीं है, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जो परमानेंट हो। आई वहां से थकी आ रही, तब तक तो प्रज्ञा जाग चुकी थी, समझ चुकी थी। भगवान के आगे सरेंडर किया, भगवान से पवज्जा की परमिशन मांगी, पवज्जा की याचना की, पवज्जा भिक्खुओं से पवज्जा दिलाई गई। पवज्जा होते ही वो अपना साधना में, धर्म में लगी, धर्म सीखने में खूब जम के उसने धर्म सीखा और अर्थ हो गई। अर्थ हो गई तो चर्चा हुई कि देखो, कल तक तो कैसे ये पुत्र मुंह में पागल थी, आज अर्थ हो गई, आज दूसरों को संभाल रही है, सबको शिक्षा दे रही है, ध्यान सिखा रही है, सबको बता रही है कि दुखों से कैसे मुक्त होते हैं, कैसे ये चमत्कारी धम्म है जो धमों से मुक्त कर देता है। एक पुत्र के मुंह से मुक्त होना इतना आसान नहीं है, और कितनी आसानी से इसने पुत्र के मुंह से मुझे मुक्त कर दिया, और ना केवल मुक्त किया, मुझे निर्वाण दिया, ऐसा परम सुख दिया जो पुत्र से भी प्राप्त नहीं होता, उससे भी ज्यादा परम सुख में अब मैं हूँ, 24 घंटे सुख में हूँ, ऐसा जानकर वो सिखाने लगी। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही। ये किसा गौतमी की कथा है, इसमें कहानी में कोई हेर फेर छोटा मोटा हो सकता है, सारी ये, क्योंकि कथा तो कथा होती है मगर गाथा नहीं बदलती, गाथा सेम रहती है। गाथा इस प्रकार है, यो चे वत्स सत्तंग जीवे अपसंग अमतंग पदंग एकाहंग जीवितंग सेयो पस्सतो अमतंग पदंग। यो चे वत्स सत्तंग जीवे अपसंग अमत पदंग, यानी कि कोई अगर सैकड़ों साल तक जिए, वस सतंग, वस माने वर्षों तक, सतंग माने 100, जीवे कैसे जीवे, अपसंग बिना देखे किसको, अमत पदंग को, अमृत पद को, निब्बान को, मोक्ष को, मोक्ष को, जो लिब्रेशन है उसको, यानी कि दुखों से मुक्ति हो गई, इस पद को देखे बिना कोई अगर 100 साल तक भी जिए तो बेकार है, बेकार है। अगर एक बार भी कोई ऐसे जिए, कैसे, एकाहंग जीवितंग सेयो, श्रेष्ठ है एक बार जीने से, यानी एक बार भी अगर कोई ऐसे जिएगा तो श्रेष्ठ है, सेयो है, कैसे, पस्सतो अमतंग पदंग, पस्सतो माने जो देखता है अमतंग पदंग को, यानी अमृत पद को, अमृत पद निब्राण पद, यानी कि यहाँ अमत बोलते हैं, अमतंग माने यानी कि अमृत पद, निब्राण पद, निर्माण पद, और भी जगह इसको केवल्य वगैरह बोला जाता है, यानी कि आपके सारे दुख जा चुके हैं, ऐसे पद को सिर्फ एक बार भी देख के जो जिएगा, समझ के जिएगा, वो ज्यादा हितकर है 100 साल तक बिना इसको देखे हुए। तो यहाँ जो किस्सा गौतमी का जो किस्सा है, ये बड़ा ही बहुत बढ़िया है बच्चों को सुनाने के लिए। किस्सा गौतमी की और पटाचारा की जो कहानियां हैं, आप अपने तरीके से सुना सकते हैं, इसमें नमक मिर्च मसाला भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप अगर थोड़ा इमेजिनेशन करेंगे, सार यही रहेगा, जैसे बच्चा जा रहा है, आ रहा है, इसको किससे कहानी और नाटक में बहुत लंबा खींचा जा सकता है। एक भिक्कू और भिक्कुनी, या मैं भी खुद चाहूं तो इसको 2 घंटे तक सुना सकता हूं, और चाहूं तो 2 मिनट में खत्म कर सकता हूं। जितने भी धम्मपद हैं उनमें कहीं ये 20 लाइन में है, कहीं ये 200 लाइन में है, कहीं ये 2 पेज में है, कहीं पूरी किताब इसके ऊपर है। ये किस्से बहुत फेमस हैं क्योंकि ये धम्म की बहुत मारक कथाएं हैं। धम्म सीधा आपके दिल में और आपके जहन में और आपके मन में उतरता है, इस दुख को, इन दुखों की व्याथा को देख के, कि क्या धम्म इतने बड़े बड़े दुखों को भी पिघला सकता है, इतने बड़े बड़े दुखों को भी खत्म कर सकता है, और ये सच है, विपश्यना साधना से होता है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पर भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kameshu Michchara Virmani Sikkhapadam Smadhyami.